हिसाब बच्चन को तकलीफ हो, तो वो क्या हो गए? एंटीगोनिस्ट. क्या हो गए? एंटीगोनिस्ट. एंटी का शब्द ही है निगेटिव या अपोजिंग. निगेटिव या अपोजिंग. ठीक है, अपोजिंग. समझ गया सभी लोग? यस. तो एंटोनिम और सिनोनिम को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दीबाजी में पेपर में क्वेश्चन होते हैं 150 आई बिलीव. टाइम होता है 180 मिनट का. उसमें आप लोगों को कई रीजनिंग के भी सवाल करने पड़ते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है. ठीक है, कैलकुलेशंस के सवाल होते हैं जिसमें टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ता है. नहीं समझ, अभी आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे क्योंकि आपकी उतनी रीडिंग नहीं है, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के भी सवाल में काफ़ी टाइम लगेगा. ठीक, तो जल्दीबाजी में टाइम कम होता है, जल्दीबाजी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एंटोनिम की जगह सिनोनिम कर देते हैं और सिनोनिम की जगह हो जाते हैं ना. कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ हम गलत टिक कर देते हैं, फिर बाद में जब चेक करते हैं तो पता चलता है ये कुछ आता था पर हमने जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दिया. तो आप ध्यान रखें कि एंटोनिम मतलब, एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या लिखोगे? ऑपोजिट. क्या लिखोगे? ऑपोजिट. ठीक, सिनोनिम जो है, सिनोनिम शब्द आता है सेम से. किससे आता है? सेम से. सेम का मतलब सिनो और निम. निम का मतलब होता है नाम. सेम नाम वाले शब्द जिनका मीनिंग भी सेम होगा, आपका मतलब सेम निकलेगा. इसकी पूरी लिस्ट मैंने लिखवाई है, किसी के पास है? आज नहीं है. मैंने वो पूरे इम्पोर्टेंट जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं यूपी आपके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी पूरी लिस्ट लिखवाई है, बट आज अवेलेबल नहीं है. मैं भी अपने नोट्स वाले नहीं लेके आई, मुझे लगा कि रिविजन कराना है तो ऊपरी तौर से कराना होगा, मुझे नहीं पता था सब लिखवाना होगा. मे बी मेरी अगर नेक्स्ट क्लास लगेगी तो मैं आपको वो लिस्ट दूंगी एंटोनिम की और सिनोनिम की. इडियम्स फ्रेजेस क्या होते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियाँ. क्या होते हैं? मुहावरे और लोकोक्तियाँ. मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आप लोगों से पूछा जाता है. इसकी भी एक लिस्ट में लगभग 30 से 40 मुहावरे लिखवाए हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास ऑफ कोर्स, अब जब फिर से ये शेड्यूल आपका शुरू होगा तो फिर से सारी क्लासेस होंगी दोबारा से, तभी आपको मैं पढ़ाऊंगी. ठीक, देन वी आर ऑन टू कॉम्प्रिहेंशन. व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? व्हाट इज कॉम्प्रिहेंशन? व्हाट इज कॉम्प्रिहेंड? कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझना. किसी चीज को समझना. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी चीज को समझना. ठीक है, तो आप लोगों को पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और उस पैराग्राफ से समझ के आपको उसके उत्तर देने होते हैं. एक इम्पॉर्टेंट बात का ध्यान रखें, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है. तो उसके स्टेप्स मैंने लिखवाए थे और प्रैक्टिस भी कराए थे, 4 पैसेजेस. तो सबसे पहली बात क्या होती है, जब आपको कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन देखना है तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन. सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर देखेंगे ये क्वेश्चन में क्या मांग रहा है. अगर कोई कीवर्ड है तब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे. समझ रहे? मान लो कि पूरा पैराग्राफ दिया है और क्वेश्चन दिया है कि राम का जन्म कहाँ हुआ था. ठीक, तो पहले अगर आपने सवाल पढ़ लिया तो आपके दिमाग में रहेगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस पैराग्राफ को पढ़ना है, उससे आपका टाइम बचेगा. इट विल सेव योर टाइम. आपके लिए बाकी सवाल करने के लिए टाइम ज़्यादा होगा इस तरीके से. तो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की सबसे बड़ी ट्रिक है कि दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? सवाल पढ़ोगे. दूसरी ये ट्रिक है, ये ट्रिक है या ये सजेस्टेड है कि जो पैराग्राफ दिया है ठीक, वो ऑथर या एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से
दिया है। जो सवाल दिए हैं वो भी वही पूछ रहा है और जवाब वो चाहता है जो उसके मन में। आपके मन में क्या है उसको कोई मतलब नहीं। यू शुड कीप द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइटर इन माइंड। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछना क्या है उससे आपको जवाब देना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। कहने का मतलब ये है जो सवाल में पूछा गया है उसको पैराग्राफ में ढूंढना है और उस पर टिक कर देना है। बस हमको ये सही लगता है या हमको ये गलत लगता है पे आपको नहीं जाना है। एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होता है ना। अगर वो ऑब्वियस है कि राइटर ऐसा कह रहा है तो उस पर टिक करेंगे, आपको ऐसा लग रहा है तो उस पर टिक नहीं करेंगे। देखो अभी सुनने में ये सब अजीब लगेगा, आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही है। जो पिछले चार पैराग्राफ हमने प्रैक्टिस किए थे उसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। होपफुली अगर मुझे इंग्लिश की क्लासेस असाइन होंगी तो आई विल टीच यू दैट। ओके, देन कॉम्प्रिहेंशन के बाद हमने बात की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने बेसिक लेवल पे पढ़ाई होता है कि क्रिया को कौन कर रहा है ये हमें कैसे पता चलता है। ठीक, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इतना हम लोगों ने पढ़ा है अपनी सात क्लासेस। एम आई क्लियर ऑन दिस एवरीवन? फाइन, सो टुडे आई विल start over with rewriting the sentences. मछली मंडी नहीं बनाएंगे, सब एक साथ बोलने लगे, जिसको समझ में आया जिसे रेडी हो रहा है। बताएं भाई किसको किसको आता है आंसर इसका? रेज योर हैंड्स, वन एंड टू, उसके अलावा थ्री, ओके, फोर, फाइव, ओके, और आप बताइए बेटा। हाँ, सिंस नहीं है, राइस है। हाँ, राइस ही, राइस, राइस,
गाइस अरे मेरी राइटिंग इतनी गंदी है क्या? नहीं नहीं राइस ही है, सेंस नहीं है। अच्छा बैठ जाइए, और कौन बताएगा? आप बताइए क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड। कुक्ड होगा, क्यों होगा कुक्ड? कुक्स की जगह हम लिखेंगे कुक्ड, क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे है, पास्ट है। ठीक, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, सो सॉरी, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। समझे सभी लोग? अच्छा एक और बात, ये है ये जो शब्द होते हैं इनका बहुत ध्यान रखने वाला है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, लिखिए यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। एक लिस्ट बनाइए इनकी। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुडे मतलब आज, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब आने वाला कल, टुनाइट मतलब आज की रात। ठीक, अच्छा अगर बीती हुई रात के बारे में हमें बात कर रही है तो क्या करेंगे? लास्ट नाइट। क्या कहेंगे? लास्ट नाइट, आई मेट हिम लास्ट नाइट। ठीक, और अगर कहना है कि कल की रात में तो नेक्स्ट नाइट। ठीक, समझ में आया सबको डिफरेंस? गड़बड़ गड़बड़ नहीं कर रहा, because that is not very much literary. Last night and next. चलिए ये तो आप लोगों ने बता दिया, अब मुझे ये बताइए इसका पहले रॉन्ग
नीचे उसको राइट करके लिखिए, या सिर्फ एक शब्द को ही रॉन्ग लिखिए, नीचे राइट वाला लिखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। Ram is brave than his friends. इसमें गलती क्या है? जिससे पूछोगे वो बताएगा. Raise your hands. Just raise your hands. Whoever knows the answer, raise your hand. जिसको भी आंसर पता है वो हाथ खड़ा करे. गलत बताओ पर बताओ. At least have the courage to speak. Okay. Who else? तीन ही लोग को अंग्रेजी समझ में आ रही है. Braver. He was braver. Compare कर रहे हैं ना, तो comparative degree लग जाएगी. क्या लग जाएगी? Comparative degree. देखिए यही इस बात की समस्या है कि ये सारी चीजें एक दिन में एक क्लास में आपको नहीं पढ़ाई जा सकती. आपका बेस क्लियर होना चाहिए, तो घर जाके आप पता करोगे कि कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है. उच्चतम और उच्चतर. ठीक है, उच्चतम एंड उच्चतर. Ram is braver. B-R-A-V-E-R. Braver than his friends. बस सेंटेंस एकदम सही हो गया. इसको नोट करिए. Have you ever been to Lucknow? What is wrong in this? Raise your hands. Just raise your hands. Okay. 12. कोई और लोग कुछ जवाब दे. आपको आता है? Good. नहीं. कोई और? बताइए बताइए बताइए. Been होगा. Been की जगह क्या होगा? Been. बीन होगा. क्या तुम कभी लखनऊ गए हो? बीन. बीन होता है ह्यूमन बीइंग वाला. हिट पर्सन. बीन का मतलब ऐसा किया है या नहीं. ओके. हैव यू एवर बीन टू लखनऊ. देखो कितना सिमिलर है. सिमिलर है ना, लग रहा है. सेंटेंस कोई आपसे पूछता है तो आपसे आपको लगता है यही तो पूछ रहा है. बींग और बींग में कितना ही कम अंतर है, लेकिन लिखने पे स्पेलिंग में हमें पता चला. डो नॉट टॉक इन माई क्लास. ओके ओके. सो वन मोर सेंटेंस एंड देन वी होप विल मूव टू अनदर थिंग. और ये
या, और का मतलब होता है या, ठीक इस लगेगा, वेरी गुड। जब दोनों में से एक व्यक्ति जब है कोई तो आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा इस, he और राजू इज गिल्टी, ये या फिर राजू में से कोई एक दोषी है, ठीक। चलो एक सेंटेंस का पंक्चुएशन मुझे आप लोग सही करके दिखाओ। मैं लिख रही हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या क्या होगा, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट, डू नॉट टॉक प्लीज, डू नॉट टॉक, डू नॉट डिस्कस एंड टॉक इन माय क्लास। इफ यू वांट टू डिस्कस यू आर फ्री टू मूव आउट ऑफ द क्लास एनी मिनट, ओके। यस बताएं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए कैपिटल बनाएंगे, वेरी गुड। ए कैपिटल बनाया, फिर ठीक, फिर माय कैट का एम भी कैपिटल होगा, माय कैट का एम कैपिटल होगा, ये बात हम भूल जाते हैं, थैंक यू प्लीज सिट डाउन, और इसी चक्कर से हमारा सेंटेंस गड़बड़ा जाता है, क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। माई कैट डाइड यस्टरडे के बाद क्या लगेगा, फुल स्टॉप, राइट, ये ध्यान रखिए, ठीक है। फाइन, अब हम लोग पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, fill in the blanks using the correct word. So, erase कर दूँ मैं? Done? Recover के बाद dash, the shock, 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 और आपके options हैं सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, आप बता हैंड रेज करिएगा जिसको सही आंसर पता हो। और कौन, ओके, इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर डैश द शॉक ओवर अबाउट अंडर फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम उस शॉप
सेंटेंस पूरा क्या हुआ? रीड इट विद मी. इट टुक द चाइल्ड अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर फ्रॉम द शॉक. वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए. व्हेन ही डाइड, व्हेन ही डाइड, D-I-E-D, डाइड, कॉमा, रामानुजन, रामानुजन, हु वाज रामानुजन? गुड. पूरा नाम? ठीक है. व्हेन ही डाइड कॉमा रामानुजन डैश बिहाइंड, बिहाइंड को इट्स बिहाइंड, वी कॉल इट बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड थ्री नोटबुक्स. ठीक. चार ऑप्शंस दिए आपके सामने. क्या हुआ? When he died, Ramanujan dashed behind three books. हैंड रेज करें अपना. और कोई इन लोगों को तो आता ही है. हाँ हाँ आप बताइए. ग्रीन टी शर्ट फोर्थ कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा? सेकंड. पुट आउट नहीं, पुट आउट तो गलत होगा. पुट इन होगा. पुट इन नहीं होगा. Put off होगा. Put off होगा. उसको shut कर दिया गया. उसको off कर दिया गया. क्योंकि funds नहीं आए थे इसलिए meeting को cancel. Put off का मतलब होता है cancel. Write down the meaning of the word put off. Put off के बगल में लिखिए cancel. अगर आप लोग अपनी वोकैबुलरी पे काम कर लें तो ये सब सवाल कोई बड़ी चीज नहीं है.
कोई बड़ी चीज नहीं है. अच्छा, आई हैव नॉट गिवन माय इंट्रोडक्शन टू यू, अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू ऑल द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम या जिन्होंने पहली बार मेरी क्लास अटेंड की है. आई एम प्रिया शर्मा. ओके, मैं पढ़ा रही हूँ CSNPG कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, आई डू टीच ओवर देयर. सो आई हैव डन माय ग्रेजुएशन, दैट वाज BA ऑनर्स इन इंग्लिश. I have done it from University of Lucknow and I was fortunate enough to get silver medal in that. Okay? Then I went on for my master's in English literature from the same university and I got 4 gold medals. Okay? Then I appeared for my JRF and my NET and I got it. Then I appeared for exams for teaching. I taught at KNIT Sultanpur. कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट सुल्तानपुर. ये UPTU और AICTE का कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है. ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया है. आप लोग अगर लखनऊ गए हो तो वहाँ पे नाम है फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा. इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया मैंने 8 months के लिए. उसके बाद आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट दिस जॉब एंड आई एम टीचिंग यू ओवर हियर. I have worked with Doordarshan Lucknow. I have worked with many like online things I have done for Government of India as well. So I might look small, but I do have an experience of teaching you. ठीक है, भले ऐसा लगे कि अरे इनको क्या था, but I have a good teaching experience. और मैंने अंग्रेजी ही पढ़ाई है, literature मेरा specialization है. अभी मैं PhD कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से ही इन डिसेबिलिटी स्टडीज. प्लीज़ आप लोग बातें ना करें और ऐसे व्हाट इज़ देयर टू लाफ, प्लीज़ शेयर विद अस. हम लोग भी हंसेंगे. प्लीज़ स्टैंड अप. यस, द वन विद द स्पेक्स, प्लीज़ स्टैंड अप. प्लीज़ टेल अस व्हाई वर यू लाफिंग सो दैट हम लोग भी हंस सकें. तेरी हंसी से मेरी हंसी, ऐसा वाला कल्चर चल रहा है क्या यहाँ पे? ऐसे मत करिए भाई. नो, दूर दूर बैठिए आप लोग. सी सी, यही अंतर है या यही चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी में दिखेंगी. Somebody is giving their instruction and you are laughing and whispering. Is this an attitude of an officer? बच्चों, IAS का एग्जाम, नॉलेज का एग्जाम तो होता ही है, साथ ही साथ आपके पर्सनालिटी का एग्जाम भी होता है. आपकी वो पर्सनालिटी है क्या कि आप एक ऑफिसर बनने योग्य हैं क्या? कोई बात चल रही होगी, आप मुझे बात पूछने लगेंगे. दैट इज नॉट एन एटिकेट ऑफ अ ऑफिसर. अभी बने नहीं हैं पर प्रतिज्ञारत तो हैं, शायद उसी के लिए अगर इस क्लास में बैठे हैं तो, है ना? और जो आपकी पर्सनालिटी है वो एक दिन में नहीं बनेगी. क्या रे, नहीं भले रिटर्न क्लियर कर लें फिर इंटरव्यू में जब जाएंगे तो देखेंगे. नहीं, पर्सनालिटी आपकी बनती है जिस तरह से आप रोज़मर्रा के जीवन में व्यवहार करते हैं. दैट विल मेक योर पर्सनालिटी. सो वर्क ऑन इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन. जस्ट गो फॉर इट. हम करेंगे. अच्छा, आप हिंदी मीडियम से हैं, आप अंग्रेजी मीडियम से हैं, डजेंट मैटर्स. आपका व्यवहार, प्लीज डू नॉट डू दिस और आई विल मेक यू गो आउट ऑफ माय क्लास. फाइन, दिस इज द वेरी फर्स्ट एंड लास्ट वन. और मेरा इस क्लास के साथ रिकॉर्ड रहा है, 3 लोगों को मैंने डांटा है. अगली बार वो मेरी क्लास में नहीं आया और क्लास बहुत सुकून से चला है. तो मैं आपको अभी डांटना नहीं चाह रही हूँ मेरी फर्स्ट क्लास. ठीक है, डोंट मेक मी डू एनी थिंग लाइक दैट. ओके, समझ गए सभी लोग? तो आप लोग इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इट्स एन एग्जाम ऑफ नॉलेज एज वेल एज आर योर प्योर पर्सनैलिटी, प्योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ. आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? इंटरव्यू होता है ना, पर्सनैलिटी टेस्ट होती है ना. यस और नो, क्लास में जवाब दीजिए, कोशिश कीजिए क्लास में जवाब देने की. क्योंकि अभी तो आप सिर्फ 30-40 बच्चे हैं, यहाँ पे अगर झिझकेंगे तो 30-40 हजार बच्चे होंगे, लाखों बच्चे होंगे. उनमें
उनमें से आपको सेलेक्ट होके जाना है और किसी भी एग्जाम के लिए, अभी इंटरव्यू इज वेरी इम्पोर्टेंट राइट, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट. द रूल ऑफ माई क्लासेस, आई हैव इंटरक्टिव क्लासेस. मेरी क्लास में वन वे लेक्चर नहीं होता है कि हम आएंगे बड़ा सा फर्रा लेके, फर्रा नहीं फर्रा फर्रा लेके आएंगे और आपको पढ़ाना चालू कर देंगे और ना आपकी कुछ समझ में आएगा ना मेरी कुछ समझ में आएगा, ऑलरेडी ये कमरा बहुत गर्म है. नो, आई ऑलवेज टेक इंटरक्टिव क्लासेस. तो सवाल पूछूंगी और आप मुझे जवाब देंगे और आप भी सवाल पूछ सकते हैं पर लॉजिकल सवाल, अकवास नहीं सुनेंगी किसी की क्लास. Am I clear on this? Yes? और कुछ एक बेसिक एटिकेट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन अ पर्सनालिटी ट्रेनर एज वेल. मैंने बच्चों के इंटरव्यूज को अपियर होने के लिए आई हैव ग्रूम देम. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वेन सो एवर आप क्लास में आ रहे हैं और क्लास चल रही है ना और आप लेट से आ रहे हैं, तो आप हमेशा पीछे के दरवाजे से आते हैं, टीचर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि मे आई कम इन और मे आई नॉट कम. इफ टीचर इज बिजी टीचिंग, यू जस्ट कम एंड सिट डाउन क्वाइटली, चुपचाप से आके आप बैठ जाते हैं, पहली चीज. दूसरी चीज, जब टीचर क्लास में आता है यू हैव टू स्टैंड अप, यू हैव टू स्टैंड अप एंड ग्रीट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर इट इज, ओके, यू हैव टू डू दिस. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो आपको पता होना, क्या कहते हैं, शिष्टाचार है जो आपको पता होना ही चाहिए. थर्ड थिंग ऑफ माई क्लासेस, कि अगर मैंने आपसे कोई सवाल पूछा है या आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप अपनी जगह पे खड़े होएंगे या हैंड रेस करेंगे, आप तब पूछें, ओके, यस और नो. तीसरी बात, आपको कुछ बात करनी है, कुछ कहना है, कुछ कमेंट देना है तो आप मुझसे कहिए, आपस में बातचीत नहीं होगी. आई टर्न वेरी ब्रूटल, मैं बहुत बदतमीजी से बेइज्जती करती हूँ अगर मेरी क्लास में कोई बदतमीजी इस तरह की करता है. पहली बार आपको बता दिया, अगली बार. और ये क्लास आपके प्रोफेशनल कोर्स की है, BA MA नहीं है आप, ठीक है, क्या है, प्रोफेशनल कोर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, DM यहाँ के कंट्रोलर है. सो बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि आप सेलेक्ट होके आए हैं पढ़ने के लिए, आप लोग का नाम आया होगा ना लिस्ट में, तभी तो आप आए, आपको फोन किया गया होगा, आपको इन्फॉर्म किया गया होगा, यस और नो, बताया गया होगा ना कि आना है पढ़ने. कितने लोगों को कॉल किया गया था? हाँ, बहुत सारे लोगों को कॉल किया गया है. यू आर सेलेक्टेड, प्लीज इसको वेस्ट मत करो, ध्यान से पढ़ो, बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करी जाएगी. खैर चलो भाई, नेक्स्ट चीज है जो हम लोगों को पढ़नी है, वन वर्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन. हाउ आर यू केसर? काफी सर, क्या आगे और आगे वाक्यांश जिसको कहते हैं ना, वाक्यांश कहते हैं शायद. हाँ, 100 शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब कि कुछ आपको लाइन दी गई होगी उसके लिए आपको एक शब्द में उसको एक्सप्लेन करना है, जिसको क्या कहते हैं, गागर में सागर. कम शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है, इसको एफोरिज्म कहते हैं. क्या कहते हैं? एफोरिज्म. एफोरिज्म क्या कहते हैं बच्चों? एफोरिज्म से समथिंग इन यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, यूजिंग फ्यू वर्ड्स इन अ विटी स्टाइल, इन अ विटी. Do you know what is witty? Witty. Witty.
का मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता पूर्ण, मतलब वो दिमाग से दिया गया। कि कोई ऐसी बात बोल देता है ना, आपको सुन के लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि अरे बड़ा व्यंग सा है, पर बड़ा अच्छा भी लग रहा है, बहुत एप्ट भी है, एकदम सही है, सटीक अच्छा भी लग रहा है और कम शब्दों में भी है। एफोरिज्म इसकी शुरुआत की थी फ्रांसिस बेकन ने। किसने शुरुआत की थी सर? फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ एफोरिस्टिक स्टाइल। He is called the father of aphoristic style. Francis Bacon इंग्लैंड के बहुत महान, क्या कहना चाहिए, राइटर थे, पोएट थे, पैम्फलेटियर थे, एसेस्ट थे, ठीक है। He is also the father of English essay. He is also the father of English essay. Essay क्या होता है? निबंध। अंग्रेजी में निबंध लिखने के लिए है, ये है फादर, ठीक है, इंग्लिश एसेस के। तो इन्होंने लिखना शुरू किया था और इनके स्टाइल को हम लोग कहते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल। इनके जो एसे हैं वो दो पैराग्राफ या तीन पैराग्राफ, ठीक, दो से तीन पैराग्राफ के हैं, लेकिन जब आप उसको पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा कि कितना सारा इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ दो पैराग्राफ में दे दिया गया। उसको कहते हैं गागर में गागर, कम शब्दों में कम लाइन्स का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत अच्छी चीज एक्सप्लेन कर दी। किसने शुरुआत की इसकी? सब लोग बोलिए, बताइए, आप बताइए, आप येलो येलो टी शर्ट, क्या नाम लिखा है बेटा? फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन। जब मैं कहती हूँ कि सब लोग बोलिए तो सब लोग बोलिए, जब हम बोलते हैं किसी चीज को तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठ जाती है। बोल बोल के पढ़िए तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो वन वर्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन उसी का एक एग्जांपल है या उसी का एक टाइप है कि ज्यादा से शब्दों को आप समेट के एक तरह से कैसे लिखते। देखिए, वन वर्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट सेव्स योर टाइम, इट गिव्स यू स्किल्स। किसी भी बात को आप और अच्छे ढंग से कह सकते हैं अगर आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना या ऐसे शब्दों का नॉलेज हो तो, है कि नहीं। कहाँ हम एक पूरी लंबी लाइन या एक पूरा बड़ा सेंटेंस बोले और कहाँ हम एक ही शब्द में उसको खत्म करें। योर शिखा केसर बोल। Next is
word or statement which can be interpreted. Interpreted का मतलब क्या होता है? Interpreted का मतलब क्या होता है? Interpreted in more than one way. ऐसा कोई सेंटेंस जिसको एक से ज्यादा तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा हो, जिसका कोई क्लियर मीनिंग पता ना चल रहा हो, जिसका कोई एक प्रॉपर मतलब ना निकल रहा, ऐसे को हम क्या कहते हैं? किसी को पता है? Please raise your hand. Unclear, ये मैंने आपको उसमें लिखवाया था. मुझे लगता है कि मैंने आपको synonyms में ये लिखवाया था. Unclear होता है ambiguous. Ambiguous. A-M-B-I-G-I-O-U-S. ambiguous का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसका एक सटीक उत्तर या एक्सप्लेनेशन हमको नहीं मिल रहा, ठीक है. अच्छा, एक और ऐसा ही शब्द है एनोनिमस. एनोनिमस नाम सुना होगा ना? Anonymous. Anonymous से सुना है बच्चों? Anonymous का मतलब होता है जिसकी authorship हमको पता नहीं, अज्ञात. इसको क्या कहते हैं? अज्ञात. देखो, कभी कभी कुछ कविताएं लिखी होती है और जहाँ पर राइटर या पोएट का नाम लिखा होता है वहां पे क्या लिखा होता है? अज्ञात. अज्ञात मतलब पता नहीं किसने किया. एनोनिमस मतलब अज्ञात, जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है. एनोनिमस समझ में आया? एनोनिमस क्या होता है? सबको समझ में आया? ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपको पुतिन के खिलाफ कोई लेटर लिखना है, आप किस तरह से लिखेंगे? मैं नाम लिखेंगे या एनोनिमस तरीके से लिखेंगे? एनोनिमस तरीके से लिखेंगे ना. नाम लिख देंगे तो उठा लिए जाएंगे, फिर हथौड़ी से भी उठाए जा सकते हैं, है कि नहीं? हम कैसे लिखेंगे उसको? अज्ञात तरीके से, एनोनिमस तरीके से. कैसे लिखेंगे? एनोनिमस. या एनोनिमस तरीका जो है ये यूज किया जाता था एकदम 14th, 15th सेंचुरी में, जब औरतें लिखना चाहती थी. They wanted to write, but women were not allowed to read and write. औरतों को लिखने पढ़ने की आजादी नहीं थी और खाने पीने की भी आजादी नहीं है विकास क्लास में. हाँ, ये बहुत खराब बात है. टीचर को तुम नाम बताओ, पूरे क्लास सामने बेइज्जती हो जाती है. नहीं विकास जी, रेस्टोरेंट नहीं खुला है आपका, बाहर से खा के आइए. हाँ चलो. अच्छा, एनोनिमस का मतलब होता है जिसकी ऑथरशिप या जिसका सोर्स हमको पता नहीं. ठीक, एम्बिगुअस, एनोनिमस, इनकॉरिजिबल. समझ में आ गया सबको? अगली चीज जो है उसको हम कहते हैं ये सबको मुझे लगता है आता होगा. अभी खाने की बात हो रही है तो मैं ऐसे पे लिखती हूँ. और
एडिबल, एडिबल का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो आप खा सकते हैं। एडिबल ऑयल्स होते हैं ना, तो आप लोग मुझे ये बताइए जो केरोसिन ऑयल होता है इज इट एन एडिबल ऑयल? नो ना, केरोसिन ऑयल एडिबल ऑयल नहीं है। और सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल एडिबल ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल एडिबल ऑयल है, कोकोनट ऑयल और पेट्रोल नॉन एडिबल, इट इज अ नॉन एडिबल ऑयल। कोई मत खा लेना अभी भी, जीवन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉरल मतलब क्या होता है? नैतिक शिक्षाएं, मॉरल वैल्यूज का पेपर आप लोगों को पढ़ाया जाता है ना, नैतिक शिक्षाओं का मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी बच्चों को पहले एमएससी, अभी एमएससी का पेपर है। फुल फॉर्म क्या कहता है? मॉरल साइंस। ऐसा व्यक्ति जिसको सही गलत से फर्क ना पड़े, अमॉरल, अमॉरल विदाउट एनी मॉरल सेंस, ठीक है? जी, is not concerned with right or wrong. Like also smell. C O N C E R N E D. C O N C E R N E D. Concerned. ठीक? अच्छा ये बताओ, scapegoat क्या होता है? इसको erase कर दो। तो लिखने से भी नहीं। Scapegoat क्या बलि का बेटा? Very good. Scapegoat क्या होता है? कहते नहीं है क्या, अरे हमसे ये गड़बड़ हो गई है, अब हम इसकी बलि दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना? होता है ऐसा, कहा जाता है। स्केप गोट के आगे लिखिए संबंध, someone blamed, B-L-A-M-E-D, someone blamed for
wrong, 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 doings, doings, wrong doings of others, दूसरों की गलतियों का इसके सर पे ठीकरा फूटे वो क्या होता है बलि का बकरा. wrong doings of others. अच्छा बच्चों ये बताइए आप मुझे blasphemy क्या होता है. raise your hands and tell me blasphemy. बहुत important word है आजकल. ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपका जो पेपर है वो जनरल और करंट इंसिडेंट पे बेस्ड होता है. तो blasphemy का मतलब क्या होता है. blasphemy का मतलब होता है when you are doing anything or saying anything against sacred beliefs of the society. जैसे कि धार्मिक और पवित्र चीजों में सोसाइटी का जिसमें विश्वास उसके खिलाफ अगर आप कुछ कहते हैं या करते हैं तो वो क्या होता है blasphemous. क्या होता है blasphemous. इसको आप सीधे से समझ लें इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में धर्म के विरुद्ध कुछ भी करना या कहना क्या कहलाएगा blasphemy. यू आर कंडक्टिंग अ blasphemy. ये शब्द आया है क्रिश्चियन क्रिश्चियन धर्म ग्रंथ बाइबल से. कहाँ से आया ये बाइबल से. एनी एक्ट विच इज डन अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड ईश्वर के खिलाफ किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है ब्लास्फेमी. सब लोग बोलिए ब्लास्फेमी. गुड. राइट डाउन अ पर्सन suffering from neurotic breakdown. Neurotic breakdown या nervous breakdown. जब किसी के जैसे आजकल बहुत बीमारी लोगों को चलिए सर्वाइकल वाली सर झुकाते हैं तो चक्कर आ जाता है या सुन हो गया हाथ या आपने सुन रहा आप सुनते होंगे कि आजकल लोगों को स्लिप डिस्क की बीमारी हो जाती है कि कमर से दर्द होता है या पैर में बहुत दर्द होता है. तो जो आपकी जो नर्व्स हैं बॉडी में हमारे क्या है नर्व्स हैं नसें हैं वो खिंच जाती हैं या दब जाती हैं या सूज जाती हैं तब जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं नर्वस ब्रेक डाउन. क्या कहते हैं नर्वस ब्रेक डाउन. सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना बॉडी में क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके द्वारा हम चीज़ों को फील करते हैं. हमारे शरीर में नर्व्स हैं जो काम कर रही हैं. हम किसी चीज़ को छूते हैं हमें ठंडा लगता है गर्म लगता है कि ब्रेन तक मैसेज पहुंचाती है ब्रेन वापस मैसेज पहुंचाता है कि इससे हाथ हटा लो विद इन सेकेंड से काम होता है. ठीक है फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि हाथ सुन्न हो गया जल गया लेकिन पता नहीं चल रहा है. ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं न्यूरोटिक. वो पागल भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग पागल भी हो जाते हैं इनको हम कहते हैं न्यूरोटिक. क्या कहते हैं NEURotic. Neurotic. ठीक है एक और लिखिए प्रॉपर्टीज. लिखिए प्रॉपर्टीज PROPERTIES. प्रॉपर्टीज समझ गए. प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ पे सिर्फ संपत्ति से नहीं है. प्रॉपर्टीज का मतलब यहाँ से गुणों से भी है. ठीक है आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड INHERITED. नहीं इनहेरिटेड फ्रॉम inherited from one's O-N-E apostrophe S
once O-N-E apostrophe S once father किसी के पिता से मिले हुए गुण या सत्ता या प्रॉपर्टी को आप लोग क्या कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं पैट्रीमोनी PATRIMONY क्या कहते हैं सभी लोग बोलिए पैट्रीमोनी पैट्री शब्द कहाँ से आ रहा है संस्कृत भाषा के शब्द पित्र से पित्र मतलब पिता ठीक है दो भाषाएं जो सबसे पुरानी है दुनिया में वो है लैटिन और संस्कृत लैटिन और संस्कृत संस्कृत अपनी तरह बोली जाती है और लैटिन रोम और एंशियंट ग्रीक और रोम में बोली जाती थी ठीक है ग्रीक में क्या बोला जाता था कौन सी भाषा ग्रीक में हिंदी क्यों बोली जाएगी लैटिन बोली जाती थी लैटिन लैंग्वेज LATIN एंड संस्कृत ये पुरानी भाषा है ये इंडिया में आ गई ये रोम और ग्रीक की भाषा बन गई इन दोनों में बहुत पास का रिलेशनशिप है जैसे आप देखो मदर मदर शब्द कहाँ से आ रहा है मात्र से फादर पित्र से ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं कहाँ लैटिन में और लैटिन से आया है अंग्रेजी लैटिन से क्या बनी अंग्रेजी मतलब इंग्लिश ठीक अब हम आपको बताएंगे एक और फिल इन द ब्लैंक जिसमें आपको आर्टिकल फिल करना है आर्टिकल जानते हैं आर्टिकल जानते हैं क्या 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 है आर्टिकल ए एंड द अच्छा वॉवल्स कितने हैं बाकी बच्चे क्या है कंसोनेंट्स हैं टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 हैं पांच क्या हो गए हमारे वॉवल्स हो गए थैंक यू सो मच एक बात मुझे बताइए आप लोग कि पांच वॉवल्स हैं 21 कंसोनेंट्स हैं तो वॉवल्स में ऐसा खास क्या है कि वॉवल्स को वॉवल्स की कैटेगरी में रखा गया है कंसोनेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया हाथ खड़ा करके बताएंगे ऐसे बोले हाथ खड़ा करके जिसको आंसर पता है वॉवल्स और कंसोनेंट्स में डिफरेंस क्या है बस मुझे इतना बताइए आप और आप बताओ बेटा मैम वॉवल्स होते हैं किसी की हेल्प से बोले जाते हैं कंसोनेंट्स की भी हेल्प से बोले जाते हैं ठीक है ओके सिट डाउन और बताइए वो तो सिंटैक्स की चीज हो गई वो बाद में आ रहा है पर बेसिक क्लासिफिकेशन ऐसा क्यों किया गया अभी मैंने बताया खड़े होकर जवाब देना तुम खाना खा लो पहले ध्यान खा था क्लास में हाँ बताओ वेरी गुड यही बात इन्होंने भी बताई है सिट डाउन देखिए ये बात जो आप कह रही है एकदम सही है पर इसका बेसिक डिफरेंस ये नहीं बेसिक डिफरेंस या बेसिक इन दोनों सेक्शंस को डिवाइड करने का डिफरेंस ये है आप सभी बोलिए ए ई आई ओ यू ए ई आई ओ यू बोला सबने अब आप लोग बोलिए बी बी बोलिए बी सभी लोग बोलिए बी जब हम बी बोल रहे हैं तो हमारे दोनों होंठ आपस में टकरा रहे हैं जब हम ए बोल रहे हैं तो होंठ टकरा E बोल रहे हैं तब आई ओ यू नहीं टकरा रहे तो जो आपकी ओरल कैविटी है इसको क्या कहते हैं ओरल कैविटी ओरल मतलब बोलना कैविटी मतलब खोखली जगह ये जो मुंह है ये खोखला ही तो है इसमें अंदर कुछ नहीं है दांत है
बीच में ये आपकी स्पेस खाली है, इसमें हम खाना रखते हैं। ये क्या है? आपकी ओरल कैविटी है। तो जब आप किसी अल्फाबेट का उच्चारण करते हैं और उसमें कोई रुकावट नहीं आती है तो वो आपका क्या बन जाता है? वॉवेल। और जब कोई रुकावट आती है तो वो क्या बन जाता है? कॉन्सोनेंट। फिर से बोलिए सब लोग, ए ई आई ओ यू। एयर का पैसेज एकदम क्लियर है ना? अभी आप बोलो टी, आपके जबान ऊपर पैलेट से आपके टच होगी, हो रही है? आप बोलो एस, एस दांत लग रहे हैं? एक इतना आसानी से नहीं हो रहा। अच्छा ठीक, तो हम समझ गए क्या क्या समझ गए हम? कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल हम लोग समझ गए। आप लोगों ने सुना है कि सेमी वॉवेल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स का नाम सुना है कभी? जिक्र सुना है उसका? सेमी वॉवेल्स वो सेमी वॉवेल्स हैं इंग्लिश में, वाई एंड डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई। कभी कभी डब्ल्यू और वाई की साउंड आपके कॉन्सोनेंट की तरह होती है, पर कभी कभी इनका इस्तेमाल ऐसा होता है कि ये वॉवेल की तरह लगते हैं। ये आपका होमवर्क, घर जाएंगे आप लोग और सर्च करेंगे अबाउट सेमी वॉवेल्स और इनके एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक सा इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ वॉवेल और कॉन्सोनेंट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है उनके उच्चारण के तरीके में। ठीक, समझ गए सभी लोग? समझ गए कि नहीं समझ गए? फिर हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। किसकी? आर्टिकल्स की। आर्टिकल दे आर आर्टिकल है तीन, कौन कौन से है? ए एंड द। ए एंड द, जो एंड है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जैसे आपने सुना होगा वो कोटेशन सुना है, एन ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। लिखा कैसे जाता है इसको? लिखा जाता है एन ऑनेस्ट। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? ऑनेस्ट। शुरुआत किससे हो रही है? एच से। एन किसके आगे लगता है? ठीक, ये तो एच है। फिर क्यों लग रहा है ये? उच्चारण के हिसाब से। किसके हिसाब से? उच्चारण के हिसाब से। जब हम बोलते हैं तो ऑनेस्ट नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। एच इज साइलेंट, एच इज साइलेंट, इसलिए बोलते हैं। एंड ऑनेस्ट मैन इज द नोबलेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक, समझ गए? अभी इंग्लिश के अल्फा बीटा में शब्द कितने हैं? 26। और साउंड कितनी है? साउंड कितनी है? ये भी आप लोग पढ़ के आएंगे। एक होता है इंटरनेशनल आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, जिन्होंने ये निर्धारण किया है कि किस शब्द की कैसी कैसी साउंड आएगी। कभी आप लोग पढ़ते हैं तो सी को सी पढ़ते हैं, और कभी आता है तो वो च के साउंड में आ जाता है, होता है ना ऐसा? तो ये नियम कौन बनाता है कि कब आएगा तो वो स होगा, कब आएगा तो वो सी होगा, और कब आएगा तो वो च होगा, है ना? जैसे आपने लिखा कै, तो ये क्या बन गया यहाँ पे? कै, कै की साउंड आ गई। ठीक, अभी आप लिखोगे चाचा, तो ये कौन सी साउंड आ गई? च की साउंड आ गई। डिफरेंस है ना? शब्द एक ही है पर उसके उच्चारण में डिफरेंस है।
तो इसको कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करता है इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन। फोनेटिक का मतलब होता है फोन। फोन पे हम क्या करते हैं अब देखते हैं, पर इनिशियली फोन का इस्तेमाल सुन के बात करने के लिए हुआ था। ठीक है, तो शब्दों को हम सुनते किस तरह से हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, इसके लिए एक एसोसिएशन बना जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, और वो ही ये सारे नियमों का निर्धारण करते हैं। ठीक, am I clear on this? A and the, only 5 minutes are left. I will request you all to read जो भी पढ़ाया है आज, कोई सवाल हो तो पूछ लें, अदरवाइज आई विल टेक योर लीव। आई विल टेक योर लीव का क्या बताया था पिछली क्लास में? आप थे, आप बताएंगे। सनी बताओ बेटा, आई विल टेक योर लीव का क्या बताया था पिछली क्लास में? पता है तुमको? आप बताइए। आई विल टेक योर लीव मैंने बताया था ना, कॉल इट। वेरी गुड, आपकी मैं अब विदा लेती हूँ। आई विल टेक योर लीव का मतलब होता है मैं आपसे विदा लेती हूँ। कॉल इट अ डे, आई एम कॉलिंग इट अ डे का मतलब आज का काम यही खत्म। ये बेसिक सी चीजें, अगर आपने इनको अपने रोजमर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल कर लिया और कहीं बैठे हैं और ये दो चार शब्द बोले तो आपका इम्प्रेशन अच्छा, बस और कुछ खास नहीं होगा। आजकल इम्प्रेशन ही तो बनाना है भाई, है कि नहीं? जैसे दो चार शब्द अच्छे सीख लीजिए सब लोग, कहीं जहाँ जरूरत पड़े वहाँ फोड़ दीजिए बस। जैसे कि मेरी ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में, ठीक है, तो वो बना गया था प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अभी जो 4 तारीख को आपके यहाँ इलेक्शन होने, फिर हम गए वहाँ पे और हमने फुल अंग्रेजी में बोला कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हम कैसे करेंगे, ये मेरी पे स्केल से नीचे, पे स्केल के हिसाब से ड्यूटी लगती है, आप मुझे जोनल बनाइए। सोचो जोनल और कठिन है, लेकिन पूरे भोकाल में क्या आप जोनल बनाइए या कुछ करिए भाई, हम नहीं कर पाएंगे। फिर प्रिंसिपल सर ने बोला कि हाँ ये बात तो सही है, फिर उन्होंने हम लोग की ड्यूटी कैंसिल किया था। ऐसा इंप्रेशन बनाओ कि तुम कोई है, इनसे बढ़ नहीं सकते, ठीक है, वो आपके बात करने के तरीके से ही होता है। पहले तो आप दिख कैसे रहे हो, दूसरा मुंह खोल के कैसे लग रहे हो। कुछ लोग होते हैं देखने में बहुत सही लगते हैं, जैसे मुंह खोलने लगता है इनको तो कुछ पता ही होता है कि नहीं, यस और नो? इसलिए दोनों चीज़ों का संगम होगा तब आप उस ऑफिसर के पोस्ट पे पहुंच पाएंगे। वर्क ऑन योर ग्रूमिंग, अपनी ग्रूमिंग करिए, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स, हाउ यू सिट, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, एवरीथिंग शुड बी गुड, ओके, बिकॉज इट विल बी योर लाइफस्टाइल, फाइन। एंड रीड, जस्ट रीड ऑल द थिंग्स दैट आई हैव मेड यू राइट। आज जो जो लिखा है उसको पढ़ो, सब लोग पढ़ो और फिर मुझे बताओ अगर कुछ नहीं समझ आता है। सॉरी, द एंड डी, टी एच ई, अच्छा प्रोनाउंसिएशन, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। देयर आर 3 major ways ऑफ प्रोनाउंसिएशन, एक होता है अमेरिकन वे, एक होता है इंडियन और एक होता है ब्रिटिश, जिसको हम लोग एक्सेंट भी कहते हैं ना, एक्सेंट कहते हैं ना, तो यू नो व्हाट इज एक्सेंट, एक्सेंट मतलब एक ही भाषा को बोलने के अलग अलग तरीके, किस तरह से शब्दों का उच्चारण हो रहा है। जैसे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आर को अगर आखिरी में आर आ रहा है तो उसको वो प्रोनाउंस नहीं करते, पर हम लोग इंडियन हैं वो कहते हैं फादर, हम कहते हैं फादर, कहते हैं कि नहीं कहते, तो गलत ना वो है ना हम है, बस हमारे बोलने के तरीके में डिफरेंस है, क्योंकि हमने ये लैंग्वेज अक्वायर की है। अक्वायर मतलब हमने उसको सीखा है मेहनत करके, तो मेहनत करिए तो पूरा बोलेंगे, उनके पास वो लैंग्वेज उनकी नेटिव, समझ रहे हैं? तो बोलने का द एंड और दी एंड हो गया एक ही चीज, बस प्रोनंसिएशन डिफरेंस का होता है कि आप किस जगह पे हैं। इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया, जैसे कि अभी आप चले जाएं तो करेबियन जो लैंड है, नीग्रोज जहाँ पे रहते हैं, ब्लैक पीपल रहते हैं, उनका अंग्रेजी भी बोलेंगे पर उनके बोलने के तरीके में। अच्छा जैसे आप लोग समझ लें इसको इजी तरीके से, हिंदी बोलते हैं सभी लोग, सब हम सब आपकी नेटिव लैंग्वेज या प्राइमरी लैंग्वेज क्या है?
हिंदी है, सबकी हिंदी है ना, पर आप लोग हरदोईया हिंदी बोलते हैं, हम सीतापुरिया बोलते हैं, हमारे पापा लखनऊ वाली बोलते हैं, यस। तो किस तरह से ज्योग्राफिकली और आपका जो कल्चरल बैकग्राउंड है आपकी लैंग्वेज को बोलने के तरीके को अफेक्ट करता है। आप लोग हतो बोलते हो, हतो बोला जाता है यहाँ पे, हती हतो मतलब है या नहीं है, खाबो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, और सीतापुरिया बोलते हैं खैबा जैबा आईबा है ना, आय रहन, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ डिफरेंट है, बस बोलने के तरीके में अंतर है, द और दी सेम, ओके, गॉट इट? एनी अदर प्रॉब्लम एनीवन? नो, ओके, प्लीज क्लीन द बोर्ड, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे अहेड, एंड दिस वाज माय लास्ट क्लास, मे बी इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टीचिंग यू। जो जो पढ़ाया है प्लीज भूलना मत, जो नोट्स हैं प्रॉपरली संभाल के रखना और उनको रिवाइज करना और उस पर एड ऑन करते रहना खुद से पढ़ के, क्योंकि एक घंटे की क्लास इज टू स्मॉल फॉर ऑल दिस, ओके। अब आप ठीक है, सॉरी, एम ए लखनऊ।